कानपुर के विदनु थाना क्षेत्र में अज्ञात महिला की धारदार हथियार से निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची विदनु पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गले समेत शरीर के कई हिस्सों पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। लोगों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। कुरैना बहादुरपुर गांव के पास सैया गोझा का घना जंगल है। शाम होते ही इस जंगल में आवाजाही बंद हो जाती है। मंगलवार की सुबह ग्रामीण जंगल की तरफ शौच के लिए निकले तो झाड़ियों के बीच करीब 27 वर्षीय महिला का लहू लुहान हालत में शव देखा। ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। मृतिका शादीशुदा है, उसने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। महिला के कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसके साथ जाती हुई है। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक महिला की हत्या सोमवार रात 10 से 11 बजे के बीच हुई है। महिला की हत्या ने हथियारों से संघर्ष भी किया। किसी धारदार हथियार से महिला के पेट और सीने में वार किया गया है। महिला जिंदा नहीं बचे, इसके लिए हथियारे ने गला रेता है। ग्रामीणों का मानना है कि महिला किसी परिचित के साथ जंगल में आई होगी। इसके साथ यह भी हो सकता है कि महिला प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी के साथ आई होगी या फिर हत्यारे जबरन लेकर आए होंगे। एसपी ग्रामीण प्रद्युमन सिंह ने बताया कि मृतिका के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। पुलिस व फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। कुछ साक्ष्य जुटाए गए हैं। महिला की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानपुर नगर में सुबह सूचना मिली कि ग्राम कुरैना बहादुरपुर के सहिया गोझा जंगल में एक अज्ञात युवती का शव पड़ा है। इस पर के शरीर पर चोटों के निशान हैं। महिला की उम्र लगभग 30 वर्ष है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और अन्य अधिकारी पहुंचे हैं। इसमें पंचायतनामा की कार्रवाई कर और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा रहा है। यहाँ पर FSL की टीम भी बुला ली गई है और अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। प्रथम प्रयास है कि महिला की शिनाख्त हो जाए, इसके लिए आसपास में सूचना दी गई है और जो उपलब्ध रिकॉर्ड है हमारे पास उनसे भी मदद ली जा रही है। मैं विनोद गोयल, प्रधान करनाल राइस मिल एसोसिएशन। सभी अपने व्यापारी भाई, करनाल के राइस मिलर्स भाई व मेरे सभी करनाल जिला के आढ़ती भाइयों को दीपावली व भाई भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिनों में सभी मेरे व्यापारी भाई, आढ़ती भाई, राइस मिलर भाई फले धन धान्य से फले फूलें और उनका व्यापार खूब तरक्की करे। और मैं नववर्ष पे इस दीपावली के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं भाजपा की, उनको भी बधाई देता हूँ कि वो अपनी सरकार बनाकर 5 साल चलाएंगे और उनको भी हमारी व्यापारियों की शुभकामनाएं हैं और वो उनसे भी आशा की जाती है कि सभी व्यापारियों का पहले की तरह ख्याल रखेंगे। ऐसी मंगल कामना मैं सभी व्यापारी भाइयों के लिए और अपने राइस मिल भाइयों के लिए करता हूँ। करनाल राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान श्री विनोद गोयल की ओर से सभी प्रदेश वासियों को शुभ दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। करनाल राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान श्री विनोद गोयल भगवान श्री गणेश तथा महालक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेशवासियों व जिले वासियों को एक बार फिर से करनाल राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान श्री विनोद गोयल की ओर से आप सबको दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।